गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सिडनी टेस्ट 2021 का फोर्थ डे रिपोर्ट लेके आया हूं। और इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे आज गेम हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने सुबह थोड़ा पहले धीरज के साथ बैटिंग किया एंड उसके बाद जब उनको लगा कि उनका स्थिति बहुत मजबूत है तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया एंड उनके टारगेट के हिसाब से दे वांटेड टू गिव आई थिंक अराउंड 40 ओवर्स टुडे एंड अबाउट 97 ओवर्स टुमारो। तो उस हिसाब से उनका डिक्लेरेशन हुआ है और हमारी तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स है कि दो तीन कैच हमको इस शुरू में मिले थे तो वो अगर ले लेते तो शायद उनका डिक्लेरेशन थोड़ा सा पीछे हो सकता था तो हमको और कम ओवर्स खेलने को मिलते क्योंकि हम इस मैच में जीत तो नहीं सकते। लेकिन वही कि कैचेस मिस होने की वजह से लैबुशेन पीएन वगैरह ने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया तो हमको थोड़ा ज़्यादा बॉल खेलना पड़ा या फिर पता नहीं अगर उस समय विकेट जल्दी चला जाता तो वो प्रेशर में आ जाते और दो तीन विकेट जल्दी आ जाता तो शायद वो सर्वाइवल के लिए भी खेलते थे। तो पता नहीं उस समय फिर मैच क्या होता लेकिन ऐसे कैच तो छूटते रहते तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। कमिंग टू आवर बैटिंग, आई थिंक जो ओपनिंग पार्टनरशिप था बहुत ही अच्छा था। थोड़े चांसेस यहाँ वहाँ बने थे लेकिन वे लकी टू सर्वाइव द ओपनिंग स्पेल। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा लग रहा था कि वे विल आज का दिन निकाल लेंगे लेकिन तभी कमिंस ने अच्छा बॉल डाला एंड गिल आउट हो गया एंड रोहित शर्मा ने हालांकि 50 किया लेकिन इज अनफॉर्चुनेट टू गेट आउट। पुल शॉट था, बदकिस्मती से उनका जो जहाँ पे फिल्टर मौजूद था वहीं पे कैच आ गया। एक काम वो और कर सकते थे कि ऐसे टेस्ट मैच में ऐसे शॉट्स जब खेलते हैं फिल्टर्स वहाँ पे मौजूद है तो बॉल को अगर थोड़ा सा नीचे रखे तो आउट होने का चांसेस कम होते हैं। यही डिफरेंस हो जाता है कि बड़ा प्लेयर एंड एवरेज प्लेयर्स में टेस्ट मैचेस में। शायद कोहली अगर होते तो वो शायद बॉल को नीचे रखने की कोशिश करते। शर्मा ने ट्राई टू हिट अ सिक्स तो सीधा कैच चला गया। तो यहीं पे फर्क आ जाता है कि आप टेस्ट मैच में कैसे, क्योंकि इंडिया सर्वाइवल के लिए खेल रहा है तो हाइंडसाइट में ऐसा लगता है कि शायद अगर वो बॉल को नीचे रखने का कोशिश करते तो और अच्छा होता बिकॉज वी आर नॉट विनिंग ट्राइंग टू विन ए मैच। तो सिक्स मारने का जरूरत नहीं था लेकिन वही है कि सिक्स लग जाता तो अच्छा लगता लेकिन सो दैट इज हाउ यू ही प्लेज द गेम। रहा कल का बात तो अभी क्रीज पे रहा ने पुजारा खेल रहे हैं एंड मेरे हिसाब से कल टी तक तो इंडिया हार जाएगा। मतलब एड वेरी हैप्पी इफ आई एम प्रूवन रॉन्ग लेकिन पूरा दिन निकालना, ऊपर से दो बैट्समैन हमारे इंजर्ड है, एक या दो विकेट कल अगर चले जाते हैं सुबह फिर तो इंडिया का टेल काफी लंबा है एंड फॉरेन पिच में थर्ड टेस्ट मैच दी बॉडी एंड सोल्स मस्ट बी टायर्ड सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेव द मैच टुमारो। एंड ऑस्ट्रेलियन का होम पिच है, उनके बॉलर्स बहुत ही अच्छे हैं, चारों बॉलर्स एकदम रिलेंटलेस है। मतलब दे डोंट गिव यू एनी टाइम, दे डोंट गिव यू एनी स्पेस, तो इट विल बी हरकुलियन टास्क टू इवन टू सेव दिस मैच। लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग क्रिकेट फैंस हैं, वी विल हम लोग सुबह उठ के भी देखेंगे। लेट अस होप कि आवर प्लेयर्स टू विल इवन इफ वी लूज लेट अस टेक द गेम टू पोस्ट टी सो दैट विल बी अ फाइट बैक इवन इफ वी लूज इफ वी टेक द गेम पोस्ट टी ठीक है हम हार गए लेकिन से मतलब फाइट करके हार गए ऐसा मैसेज जाएगा। तो लेट अस होप टू सी दैट एंड बहुत सारे कमेंटेटर से कॉलमनिस्ट है, एक नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, एक बंगाली कॉलमनिस्ट पीएचडी उन्होंने क्रिकेट में किया है, वो काफी क्रिटिसाइज उन्होंने किया है पुजारा को लेके उनके फर्स्ट इनिंग्स पे उनके अप्रोच को। तो उनको तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हालांकि शायद उन्होंने क्रिकेट का जानकारी में से ज्यादा है लेकिन फिर भी इज मतलब ऐसे पुजारा को टारगेट करना इज नॉट राइट। आई थिंक ही वॉज डूइंग हिज जॉब। दूसरे बैट्समैन है जिनका रोल टीम में अलग स्ट्रोक प्ले है, रन है, उन्होंने अपना पार्ट ठीक से नहीं निभाया। आई थिंक पुजारा अगर एग्रेसिव होके फर्स्ट इनिंग्स में आउट है तो शायद अब तक इंडिया मैच हार भी चुका होता। सो ही इज डूइंग हिज जॉब एंड आप वहां पर घर पर बैठ के उनको बोलोगे इंटेंट नहीं है, इंटेंट नहीं आ रही, वो खेल आपको मतलब
थिंक अब उनका जो काम है, उनका टीम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो रोल है, एंड ही इज डूइंग इट वेरी परफेक्टली. मतलब इट इज इट विल वेरी रॉन्ग टू से कि ही इज नॉट हैविंग इंटेंट. उनका वो स्टाइल है, जो वो खेल है, दैट इज हिज इंटेंट. ही इज नॉट इज देयर टू ब्लॉक वन एंड एंड रन शुड कम फ्रॉम अनदर एंड. आई थिंक ऐसे सिचुएशन में आई थिंक इंडिया इज मिसिंग विराट कोहली, जो कि रन्स बनाते हैं एक एंड से. सो इट विल वेरी इट वॉज वेरी हार्श ऑन आई थिंक पुजारा, जिन्होंने कि वही सेम सेम इंटेंट सेम उससे ही उन्होंने लास्ट जो टूर है उन्होंने जिताया था. सो इट इज वेरी हाइंड साइट में ऐसे उनको क्रिटिसाइज करना सबको ठीक लगता है, बट आई थिंक ही हैज डन वेल. लेट अस होप देन टुमारो पुजारा एंड रहाणे विल सेव द डे, बट द चांसेस आर वेरी ब्लिक. सो लेट अस सी टुमारो. तो आपको कैसा लगा ये मेरा रिव्यू? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए. एंड कीप सीइंग माय रिव्यूज. थैंक यू.